हे गाइस, वेलकम टू डेल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नीचे का जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप अपडेटेड रहे। तो फ्रेंड, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको कॉपीराइट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगा। तो हमें कॉपीराइट तो पता है कि आखिरकार होता क्या है, बट हमको ये नहीं पता है कि हम किसी को अपना कॉपीराइट कैसे दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसी को भी आप अपना कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अगर आपका वीडियो यूज करता है विदाउट आपके परमिशन के, तो आप उसे कॉपीराइट दे सकते हैं। तो एक बंदा है मेरे ही चैनल का, एक वीडियो अपलोड करता है दूसरे चैनल का, तो उसको मैंने ईमेल भी किया बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे एक कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों ना दे दिया जाए। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि आप किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए चलना होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर या अपने फ़ोन में यूट्यूब खोल लेना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोल लिया और सबसे पहले आपको एक वीडियो चूज करना है जो वीडियो आपका किसी ने कॉपी किया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, मेरा ये वीडियो है जो मैंने प्रीवियस जो है मेरा एक और चैनल है उस पर मैंने डाला था और ये बंदा कॉपी करके अपने चैनल पर डाल लिया है। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं वो वीडियो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो उस वीडियो पे जाना है जिस पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देना है। तो चलिए मैं यहाँ चलता हूँ उस वीडियो पे जिस पे हमको कॉपीराइट देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो जो है, ये बंदे का अभी 9 सब्सक्राइबर 9 ही सब्सक्राइबर है। और ये वीडियो देख सकते हैं आप आइडियल स्टडी पॉइंट के नाम से, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको आपको यहाँ पे आना है ट्रिपल डॉट पे, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे रिपोर्ट चैनल है तो इस पे आ जाना। और यहाँ पे आपको नन ऑफ दीज आर माई इशू, तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं जो आपके लिए फायदा हो। और नीचे अगर आएंगे नन ऑफ दीज के बाद तो कॉपीराइट इशू है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकंड का टाइम लेता है और नया यहाँ पे एक पेज आता है जिसमें आपको सबमिट ए कॉपीराइट कंप्लेन क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। इसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट इसे वेरीफाई कर लेते हैं। देन आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे आ गया मेरा सारा कुछ। यहाँ पे आपको इसमें दिखाना है कि इससे आपको प्रॉब्लम हुआ है या आपको किसी ने कुछ कहा है या आपका वीडियो चूज किया है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बंदा जो है मेरा वीडियो चूज किया है तो इसलिए मैं चूज करूंगा समवन कॉपी माई क्रिएशन। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसमें हम क्लिक कर लेते हैं समवन कॉपी माइग्रेशन जो सेकेंड लास्ट हमारा है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे फिलअप करते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे यहाँ पे कि आपको कौन सा चूज करना है, आपको कौन सी किसी ने आपको हार्मनेस पहुंचाया है या आपकी कंटेंट पूरे क्या देखना है, तो ये चीज। उसके बाद कॉपीराइट में आपको हु इफेक्ट तो आई एम कर देना और यहाँ पे आपको वो वीडियो का URL देना है जिस वीडियो को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो ये मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए इसका लिंक, सिंपली आपको कॉपी करने के लिए यहाँ से आना और यहाँ से आप शेयर करेंगे तो आपको यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो चलिए हम इस लिंक को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इस पे प्लीज सेलेक्ट वन, तो इससे आपको क्लिक करके आपको अपना यूट्यूब क्या है, मतलब किस तरह के वो बंदर अपलोड किया है। तो मेरा ये री अपलोड किया है तो इसलिए मैंने लिख दिया री अपलोडेड बाय अनदर यूजर। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपका ओरिजिनल URL जो है उस वीडियो का, तो वो देना है। तो चलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे चलते हैं और अपना जो ये है मेरा कॉपी लिंक, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। सिंपली अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इंटायर वीडियो है या टाइम, मतलब थोड़े बीच के लिए हैं तो आप वो चूज कर लेंगे। तो मेरा तो इसने पूरा वीडियो यूज कर लिया तो इंटायर वीडियो मैंने दिया। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा अगर रहेगा आपका वीडियो सही में उसने अगर यूज किया होगा, तो अदरवाइज आपको पेनल्टी या यूट्यूब की तरफ से कुछ और भी मैसेज आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ओनर नेम, चैनल का हर चीज़ भरना होता है, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारा कुछ। चलिए हम यहाँ पे पहले सारा कुछ अपना फिलअप कर लेते हैं। तो कॉपीराइट का ओनर नेम मैंने भर दिया, आइडियल स्टडी पॉइंट मेरा उस चैनल का नाम जो है, और यहाँ पे अपना अथॉरिटी कॉपीराइट आप क्या देना चाहते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कंप्लेन किस टाइप का कंप्लेन देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर सेकेंडरी ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम है, उसके बाद एड्रेस देना होता है उसी के नीचे। तो चलिए हम नेम फिलअप कर लिए, यहाँ पे एड्रेस देना है, देन सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर,
अगर फैक्स है तो आप फैक्स भी दीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं सारा कुछ वन बाय वन फिलअप कर लेते हैं अपना। उसके बाद सिंपली आप नीचे आएंगे तो सारे को आपको फिलअप कर लेना, तो आप ये वन बाय वन पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पे अगर सेकेंडरी ईमेल आईडी, चलिए हम फिलअप कर लेते हैं यहाँ पे अपना, छूट गया था मेरा यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल आईडी, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सेकेंडरी ईमेल आईडी फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको टाइपिंग में आपको वो सिग्नेचर करना है जिस जो आप यहाँ पे अपना लिखे होंगे नाम, तो चलिए यहाँ पे हम सिग्नेचर कर लेते हैं अपना। उसके बाद नीचे आए हम नॉट रॉबर्ट, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना और नीचे आपको दिख रहा है सबमिट कंप्लेंट, तो उस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप वही सिग्नेचर में नाम देंगे जो आपने अपने टाइप किए होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ सबमिशन आ जाएगा कि देख लेंगे आप यूट्यूब की तरफ से। चलिए इसे हम जूम आउट करके दिखाते हैं थोड़ा सा इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंप्लेंट जो है उसके पास चला गया है। तो अब इस पे हमारा जो यूट्यूब है वो इसको देखेगा, वेरीफाई करेगा, देन आपको एक ईमेल आएगा अगर रियलिटी में आपका कंटेंट किसी ने यूज़ किया होगा, और कुछ दिनों के बाद वो वीडियो आपके सामने उसके चैनल से हटा देगा। तो इस तरह से आप किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल इस वीडियो में लगा हो आपके लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उनको प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।